जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सएल और एक्ससी के बारे में पढ़ा था, इनका फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशनशिप पढ़ा था, आज इसी रिलेशनशिप को हम लोग मजीद डिटेल में पढ़ेंगे। एक्सएल जिसे हम लोग इंडक्टिव रेजिस्टेंस कहते हैं, ये इंडक्टिव रेजिस्टेंस है हमारे पास इस तरीके से। हमने कहा था कि जो एक्सएल है वो हमारे पास डायरेक्टली रिलेटेड होती है एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ। सिमिलरली जो हमारे पास एक्ससी होती है जिसे हम लोग कैपेसिटिव रेजिस्टेंस कहते हैं, ये कैपेसिटिव रेजिस्टेंस जो है कि एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ, बल्कि ये सॉरी मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, ये उसके साथ डायरेक्टली रिलेटेड होती है ना। ये एक्सएल जो है फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होती है और एक्ससी जो है वो हमारी फ्रीक्वेंसी के साथ इन्वर्सली रिलेटेड होती है। ये किस तरीके से इन्वर्सली और डायरेक्टली रिलेटेड होती है इन्हें आज हम अपने प्रूफ में देखेंगे ये किस तरीके से रिलेटेड होती है। सबसे पहले हम लोग एक्सएल को ले लेते हैं। जो एक्सएल है सबसे पहले हम इसके बारे में प्रूफ देखते हैं। हमने इसे कहा कि ये हमारी फ्रिक्वेंसी से डायरेक्टली रिलेटेड है, तो एक्सएल का जो हमारे पास फॉर्मूला बनता है, एक्सएल जो है वो ओमेगा एल के इक्वल आ जाता है, और ओमेगा एल जो है ओमेगा जो है वो हमें मालूम है 2πf आ जाता है। दैट्स वाई हम लोग इन सब चीज़ों को कॉन्स्टेंट फैक्टर मान के हम लोग कहते हैं कि जो हमारा एक्सएल है वो इक्वल आ जाता है फ्रीक्वेंसी के, यानी कि डायरेक्टली रिलेटेड आ जाता है फ्रीक्वेंसी के, जब हम इस चीज़ को और इसे कांस्टेंट मान लेते हैं। सबसे पहले तो मैं वेव की बात करती हूँ कि जब एसी सोर्स से एक वेव जनरेट होती है, करंट या वोल्टेज की जो वेव है वो प्रोड्यूस होती है, तो ये जो वेव है ये करंट की भी है वोल्टेज की भी है, क्योंकि एसी सोर्स है तो वो करंट और वोल्टेज दोनों चीज़ें ही प्रोड्यूस करेगा। अगर किसी भी पॉइंट पर आपको करंट की या वोल्टेज की कोई भी वैल्यू रिक्वायर्ड हो, आप किसी भी टाइमिंग इंटरवल में वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करना चाहें, तो आपको मालूम है कि करंट और वोल्टेज दोनों जो हैं वो आई नॉट साइन ओमेगा टी और जो वी है वो वी नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल आ जाता है। सिमिलरली इन रिलेशनशिप को यूज़ करते हुए जो है आप किसी भी पॉइंट पर कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को या इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर बताने का मतलब ये है कि हम जो अपना काम प्रोसीड कर रहे हैं वो इन्हीं दो इक्वेशन की बेसिस पर है। सबसे पहली चीज़ तो हमें ये पता है कि अगर किसी भी सोर्स को किसी भी सर्किट से लगा दिया जाए, कोई बैटरी हो या एसी सोर्स हो, उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। हमें मालूम है कि ईएमएफ जो किसी चीज़ में प्रोड्यूस होती है वो उसकी लेंथ इनटू डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी के इक्वल होती है, जो कि चैप्टर 14 और 15 में हम लोग पढ़ चुके हैं। नेगेटिव साइन को हम निगलेक्ट भी कर दें कोई मसला नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर जस्ट इक्वेशन बनाना सीख रहे हैं कि किस तरीके से ये इसके इक्वल है। आपको मालूम है कि फिजिक्स में हम मुख्तलिफ चीज़ें लगा के मुख्तलिफ चीज़ों की वैल्यू और उनके एक्सप्रेशन यूज़ करके ही अगली चीज़ के लिए जो है फॉर्मूला डिराइव करते हैं। सिमिलरली ये काम हम यहाँ करेंगे। एक इक्वेशन हमें गिवन है जिसे हम आई कह देते हैं, ये इक्वेशन वन है हमारे पास। इसे अगर मैं यूज़ करूँ तो ये मुझे मालूम है कि मेरे पास आई इज़ इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगा। वोल्टेज का मुझे मालूम है कि वी नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगा। अब सबसे पहली बात कि मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले के लिए एक्सएल के लिए इन दोनों में से कौन सी इक्वेशन को प्रेफर करूँ, इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको मालूम हो कि इंडक्टर के केस में आपका जो वोल्टेज है वी वो लीड करता है या लैग, जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो लीड करता है करंट से, तो करंट नीचे चले जाता है और ये पाई बाई टू के डिफरेंस से लीड करता है, या इस तरह से आप इसे कह लें कि करंट यहीं पर रहता है और वोल्टेज जो है आपका ऊपर की तरफ लीड कर जाता है। हर दोनों सूरतों में आपका वोल्टेज ही लीड करता है और कितने डिफरेंस से, पाई बाई टू के डिफरेंस से, तो जो चीज़ लीड करती है हम उसकी इक्वेशन को जो है वो प्रेफर करते हैं। अब मैं यहाँ पर अगर वी ले लूँ तो वी इज़ इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी को मैं यूज़ करूँगी, लेकिन सबसे पहले मुझे एक यहाँ पर एक और काम करना है कि जो आई इज इक्वल्स टू आई नॉट है मुझे इसका भी काम यहाँ पर ज़रूरी है। इसका काम क्या ज़रूरी है, चूँकि मैंने एप्साई की बात की तो आपको मालूम है कि जो एप्साई है वो वोल्टेज के इक्वल होता है, यानी कि ईएमएफ और वोल्टेज का जो थोड़ा सा फ़र्क है वो 14 चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आप फ़र्क की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम जस्ट इसे इक्वेट कर रहे हैं। वोल्टेज को मैंने एप्साई से इक्वल कर लिया तो यहाँ पर मेरे पास L इंटू डेल्टा आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी आ गया। अब ये जो डेल्टा है ये भी किसी चीज़ का डिफरेंस ही होता है ना, तो अगर मैं इसे डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख लूँ डी आई डिवाइडेड बाई डी टी तो इससे भी रिलेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर मैं इसे थोड़ा सा अलहदा करके इस तरीके से लिख लूँ कि डी डिवाइडेड बाई डी टी इधर और आई को सेपरेट कर दूँ, आई को सेपरेट करने का फ़ायदा मुझे ये है कि आई को सेपरेट इसलिए किया है कि आई की मुझे एक वैल्यू गिवन है। अगर मुझे एल की वैल्यू गिवन होती तो मैं एल की वैल्यू लगा लेती, लेकिन यहाँ पर मुझे आई की वैल्यू गिवन है डेरिवेटिव के साथ। अगर यहाँ डेरिवेटिव के साथ मुझे वी की वैल्यू भी गिवन होती तो मैं वो भी ज़रूर लगा लेती, लेकिन इस केस में मुझे जो वोल्टेज का फॉर्मूला बनाना है, जो एक्सप्रेशन बनेगा वो कुछ इस तरह से लगता है कि यहाँ पर डी डिवाइडेड बाई डी टी आ जाएगा
और आई नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक का काम है, वो कैसे कि आपको मालूम है कि आई नॉट जो है वो कांस्टेंट है, इसी तरह जब आप साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव लेंगे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा और साइन ओमेगा टी का जो है डेरिवेटिव वो कोस ओमेगा टी आ जाएगा, चूंकि कांस्टेंट है तो वो बाहर आके उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे पास पहला एक्सप्रेशन बन गया। मैंने ये एक्सप्रेशन क्यों बनाया, चूंकि मैंने कहा है कि मैं वो इक्वेशन यूज़ करूँगी जो लीड करती है, तो एक तो इक्वेशन ये लीड कर रही है और एक इक्वेशन ये लीड कर रही है, ये मेरी पहली इक्वेशन है जो मैंने बनाई। अब दूसरी इक्वेशन के लिए मैंने क्या करना है, दूसरी इक्वेशन के लिए मुझे ये काम करना है कि मेरा वी जो है वो वी नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल है। आपको मालूम है कि जो इसका पाई डिफरेंस आ रहा है वो पाई बाय ओमेगा टी आ रहा है, तो यहाँ पर अगर मैं साइन यहाँ वी नॉट लिखूँ और साइन ऐसे ही लिखूँ यहाँ पे ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू लिख लूँ, तो आपको मालूम है कि ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या होता है कि यहाँ पर एंगल होता है और साथ में डिफरेंस होता है, हमेशा पाई बाय टू यानी कि 90 और 3π/2 यानी कि 270, इन दोनों एंगल्स पे हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस हैं वो एक दूसरे में रिवर्स हो जाती है, चेंज हो जाती है, जैसे कि साइन कॉस में, टेन कॉट में। इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा कि वी इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा वी इज इक्वल्स टू वी नॉट कोस ओमेगा टी, यहाँ पर ये हमारे पास कोस ओमेगा टी के इक्वल आ जाएगा बी। तो ये अब हमारे पास एक इक्वेशन बी बन गई। अब क्या होगा, अब हमारे पास ये होगा कि अगर मैं ए और बी को इक्वेट कर लूँ तो यहाँ पे वी नॉट कोस ओमेगा टी आ जाएगा, और यहाँ पर जो हमने पहले किया है वो वी नॉट हमारे पास क्या था कि वी नॉट था और उसके साथ हमारे पास लिखा हुआ था कि एल आई, बल्कि यहाँ पर इस तरह से लिखना चाहिए कि वहाँ पे जो वी इक्वल आया था, वी इक्वल जो आया था वो ये था कि वो ये था हमारे पास वी इज इक्वल्स टू एल आई नॉट ओमेगा कोस ओमेगा टी, यही हमारे पास पीछे था ना, अगर हम देखना चाहें तो ये हमारे पास पीछे एक फॉर्मूला निकला था। अब इन दोनों को हमने इक्वेट करना है, तो यहाँ पर मुझे एल आई नॉट ओमेगा कोस ओमेगा टी लगा लेना चाहिए दोनों जगह पे जो है। अब यहाँ पर ये टी से यहाँ पर आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं, अब बचता वी नॉट इज इक्वल्स टू आ जाएगा एल आई नॉट ओमेगा की। अब मैं क्यों ना इस तरीके से करूँ कि वी नॉट डिवाइडेड बाय आई नॉट कर लूँ और यहाँ पे एल ओमेगा आ जाएगा, यही तो चीज़ थी जिसे हमने प्रूव करना था। आपको मालूम है कि अकॉर्डिंग टू हमारे पास जो है ओहम्स लॉ क्या कहता था कि वी डिवाइडेड बाय आई का जब भी आपके पास रिलेशन आ जाए, मतलब कि किसी भी कंडक्टर में किसी भी सर्किट के अंदर अगर एक जो वोल्ट का करंट है वो एक एम्पेयर, अगर उसमें से किसी भी सर्किट के अंदर से एक वोल्ट करंट जो है वो पास आउट हो रहा है एक सेकंड के अंदर, मतलब कि आपके पास एक सर्किट है, इस सर्किट के अंदर जो है एक सेकंड के अंदर अगर आपके पास एक एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है और आपकी जो बैटरी की वोल्टेज है वो एक वोल्ट है, तो उस वक्त जो ये इक्वल आएगी इसकी रिलेशनशिप में, इसकी जो रेशो वो रेजिस्टेंस आर के इक्वल आएगी। तो अब यहाँ पर भी तो वी नॉट डिवाइडेड बाई आई नॉट है ना, तो इसे हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेना चाहिए कि ये जो चीज़ आ जाती है ये एक्सेल के इक्वल आ जाती है, और इस तरीके से एक्सेल जो है एल इंटू ओमेगा के इक्वल आ जाता है, और ओमेगा की वैल्यू पुट करने से हमारे पास 2πfL आ जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा जो XL है वो हमारी फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। इस तरीके से हमारे पास जो है AC सोर्स के लिए जो है रिलेशनशिप निकल आता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से उसकी रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि AC सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है इंडक्टिव सर्किट के अंदर, सिर्फ इंडक्टिव की बात हो रही है यहाँ पर, हम लोग इंडक्टिव सर्किट को ले रहे हैं, यानी कि एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर AC सोर्स तो लगा है लेकिन वो इंडक्टर के साथ लगा हुआ है, तो इंडक्टर की रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी अगर उसकी फ्रीक्वेंसी AC सोर्स की बढ़ जाएगी तो। इसी तरीके से अगर मैं आप कैपेसिटिव के लिए करूँ, कैपेसिटर के लिए यूज़ करूँ, तो आपको मालूम है कि जो कैपेसिटर है वो XC है और ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है। अब इन्वर्सली रिलेटेड है इसका मतलब है कि जो XC है यहाँ पर वो हमारे पास 1/2πfC के इक्वल आ जाता है। अब अगर मैं कंडक्टिव रेजिस्टेंस की बात करूँ तो यहाँ पर भी वही दो रिलेशनशिप यूज होंगे, R इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी।
अब यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है, जैसे कि मैंने भी आपको पहले बताया कि इंडक्टर के केस में क्या चीज़ लीड करती है, हमारा वोल्टेज, और कैपेसिटर के केस में क्या चीज़ लीड करती है, हमारा करंट। तो जो चीज़ लीड करती है हम उसकी इक्वेशन को यूज़ करते हैं, उसको हम लोग प्रेफर करते हैं। अब एक इक्वेशन तो ये हमारी डिसाइड होगी कि हमने इसको यूज़ करना है। इसको किस तरीके से यूज़ करना है कि जो चीज़ आपकी लीड करेगी, आपने इसमें एक सिंपल सा काम ये करना है कि ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, चूँकि आपका पाई बाई टू का डिफरेंस आ रहा है, वो आपने डाल देना है। जब आप वो डाल देंगे तो आपको मालूम है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के इक्वल, यानी कि जो उसका ट्रिग्नोमेट्रिक का रूल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके पास आई नॉट कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। ये तो पहली चीज़ आपको प्रूफ हो गई ना, इसकी तो समझ आ जाती है कि ये हमारे पास किस तरीके से है। अब दूसरी जो चीज़ है जो हम डेरिवेटिव लेके करते हैं, पिछले केस में तो हमारे पास जो है ई एम एफ थी, उसका हम लोगों ने डेरिवेटिव ले लिया, चूँकि उसके अंदर डेरिवेटिव का साइन आता था। मसला ये है कि अब आई का ऐसा कौन सा रिलेशनशिप इस्तेमाल किया जाए। आई की अगर मैं डेफिनेशन पे गौर करूँ तो आई की जो डेफिनेशन है वो डी क्यू ओवर डी टी आ जाता है, और आपको मालूम है कि जो क्यू है वो सी वी के इक्वल है। तो क्यों ना मैं यहाँ पर पुट कर दूँ कि क्यू डिवाइडेड बाई डी डिवाइडेड बाई डी टी, और क्यू की जगह सी वी। वी इसलिए चूंकि वी की वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ पर हम वी की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करके इसके लिए भी एक डेरिवेटिव का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। वो इस तरीके से कि आई इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाई डी टी, सी एज इट इज ही रहेगा। जैसे पिछले केस में एल जो है वो कॉन्स्टेंट था, यहाँ सी कॉन्स्टेंट रहेगा, और यहाँ पर हमारे पास वी की जगह वी नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगा। अब क्या होता है, ये रिलेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगा, सी इज इक्वल्स टू सी, आई इज इक्वल्स टू सी बाहर आ जाएगा, ओमेगा को भी बाहर आना चाहिए, और इस तरह से जो हमारा साइन ओमेगा टी आएगा, क्योंकि ओमेगा तो एक फंक्शन के तौर पर बाहर भी आ जाता है ना, और बाद में उसका जब डेरिवेटिव लेते हैं तो कॉस ओमेगा टी आ जाता है। तो ये हमारे पास जो है दूसरी इक्वेशन बन गई, ये सेकंड और ये फर्स्ट, ये सेकंड स्टार ये फर्स्ट स्टार। तो इस तरीके से हमारे पास कैपेसिटर के लिए भी दो इक्वेशन निकल आई। अब हम क्या करेंगे कि इन दो इक्वेशन को जब हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आई नॉट जो है कॉस ओमेगा टी था, और सेकंड जगह पे जो हमारे पास आया वो सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी आया। इसे दोबारा से पीछे देखने में कोई चीज़ मिस तो नहीं करती, बल्कि वी नॉट को भी तो हम लोगों ने एज अ कॉन्स्टेंट ही लिया ना, उसे हम मिस करिए वो भी यहाँ पर आएगा। वी नॉट और सी कॉन्स्टेंट थे, जब साइन ओमेगा टी का हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो ओमेगा कॉस ओमेगा टी आता है। तो ये अब टोटल हमारे पास जो रिलेशन बना है वो कुछ ये बन गया कि सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पर ये अब ये कॉस ओमेगा टी से कैंसिल, और बाकी जो चीज़ें बची हैं वो आई नॉट इज इक्वल्स टू सी वी नॉट ओमेगा। अब क्या होगा कि आई नॉट डिवाइडेड बाय, नहीं आई नॉट नहीं, बल्कि आई नॉट को तो हम यूज़ ही नहीं कर सकते, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमेशा वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट होता है। तो अगर मैं ये चीज़ करूँ कि वी नॉट डिवाइडेड बाय आई नॉट, तो इन दोनों चीज़ों को फिर वहाँ जाना चाहिए, वन डिवाइडेड बाय सी ओमेगा हो जाना चाहिए। तो अब क्या होता है कि वी नॉट डिवाइडेड बाय आई नॉट जो है, इसे हम एक न्यू नाम दे देते हैं जिसे हम कहते हैं कि ये एक्स सी है। अब देखा जाए तो एक्स सी किसके इक्वल आ गया, वन डिवाइडेड बाय सी इंटू ओमेगा। तो इस तरीके से ओमेगा की जब वैल्यू आप पुट करते हो तो टू पाई एफ ये आ गया, सी के साथ मल्टीप्लाई हो गया और वन डिवाइडेड बाय हो गया। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि जो एक्स सी है वो इनवर्सली रिलेटेड है सी एफ के साथ। इस तरीके से ये फॉर्मूला निकला है इन चीज़ों को आपस में कॉन्स्टेंट मान के। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो ये है कि देखा जाए तो आप जब इस फॉर्मूले को डिराइव करते हैं तो कितनी अच्छी बात है कि कैपेसिटर में हमें मालूम है कि जो कैपेसिटर है सी, उसके चार्ज सी आता है यहाँ पर, यहाँ पर जब उसका रिलेशनशिप इस्तेमाल करते हैं ना, और इंडक्टर में चूंकि उसकी लेंथ मैटर करती है तो इंडक्टर का जब फॉर्मूला हम लोग डिराइव करते हैं एक्सएल, तो उसमें टू पाई एफ आला एफ एल आ जाता है, चूँकि वो एल पर डिपेंड करता है, उसकी लेंथ कितनी है इंडक्टर उस पर डिपेंड करता है, और कैपेसिटर जो है वो कैपेसिटेंस पर डिपेंड करता है। तो दोनों चीज़ों के रिलेशनशिप में सी और एल का फैक्टर भी ज़रूर आता है। एक दूसरी चीज़ कि हमारा कोई भी कैपेसिटर या कोई भी इंडक्टर जो है वो कभी भी 100% नहीं हो सकता, उसमें पावर डेसिपेशन होती है। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी कि जो हमारी पावर है वो हमारे पास वी इंटू आई है, और वी इंटू आई इसका मतलब है वी आई कोस थीटा है। ये जो थीटा है ये तो वही फाइबर, वो जो डिफरेंस है उन दोनों वेव्स के दौरान। अगर मैं यहाँ पर वेव बनाऊँ, ये इसी सोर्स से प्रोड्यूस होने वाला एक साइकिल है, इस तरह से ये करंट है और ये कुछ जो है समझ लीजिए कि वेव आ रही है और ये करंट है। तो इन दोनों के दरमियान जो इनकी क्रस्ट के दरमियान जो डिफरेंस था उसे हमने कहा था कि पाई बाई टू है, यानी कि ये आउट ऑफ फेज है। फॉर एग्जाम्पल कि ये जो इंडक्टर का केस है या कैपेसिटर का केस है, उनमें दोनों में डिफरेंस तो पाई बाई टू का ही आता है ना, पाई बाई टू मतलब कि 90 एंगल।
अगर मैं इंडक्टर और कैपेसिटर में उन्हें कहूँ कि ये 100% है तो कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि कोई चीज़ आइडियल है ही नहीं। अगर यहाँ मैं कॉस 90 लगाऊँ तो जो पावर है वो 0 हो जाती है, जबकि ये सिर्फ आइडियल है। हम कह तो देते हैं कि जब हम अपने प्रूफ कर रहे थे कि एसी थ्रू रेजिस्टेंस, एसी थ्रू कैपेसिटर, एसी थ्रू रेजिस्टेंस, तो हम लोगों ने कहा था कि इनके दरमियान हमेशा पाई बाई टू का डिफरेंस होता है, जबकि ये बात गलत है। हो सकता है कि पाई बाई टू से थोड़ा डिफरेंस आता हो सकता है ज़्यादा भी आता हो। कभी भी कोई चीज़ एग्जैक्ट आइडियल नहीं होती। अगर वो एग्जैक्ट आइडियल हो जाए और एग्जैक्ट डिफरेंस पाई बाई टू का निकलता हो तो इस तरीके से पावर डिसिपेशन 0 है, जो कि पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि कोई चीज़ आइडियल होती ही नहीं। इस तरीके से हमारा कंडक्टर या हमारा कैपेसिटर कभी भी आइडियल नहीं हो सकता। तो ये कुछ प्रूफ था कि किस तरीके से एक्सेल जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली रिलेटेड है, और किस तरीके से एक्सी जो है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली रिलेटेड है। दोनों का प्रूफ हम कर लेते हैं, और दोनों में हमें एक चीज़ का मद्देनजर रखना पड़ता है कि जब हम लोग एक्सेल का प्रूफ करते हैं, चूँकि वोल्टेज लीड करता है, तो हम वोल्टेज की इक्वेशन को प्रेफर करते हैं, उसे चेंज करते हैं, और ई एम एफ को यूज़ करते हुए उसका डेरिवेटिव लेते हैं। आई का डेरिवेटिव लिया था ना हम लोगों ने। सिमिलरली जब आप एक्स सी के बारे में आते हैं, तो एक्स सी यानी कैपेसिटर, कैपेसिटर में हमारा करंट जो है वो लीड करता है, तो हमें करंट की इक्वेशन को जो कि आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है उसे प्रेफर करते हैं। तो ये कुछ था इस वीडियो में कि किस तरीके से हमारा करंट और वोल्टेज जो है हमारी रेजिस्टेंस के साथ रिलेटेड है, और किस तरीके से हमारी कैपेसिटिव रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेटेड है। जब हम कैपेसिटर की बात करते हैं तो उसके अंदर जो उसका फॉर्मूला बनता है वो इनवर्सली रिलेटेड है, जो कि फ्रीक्वेंसी, तो कुछ इस तरीके का उसका ग्राफ आता है, जबकि इंडक्टर में वो डायरेक्टली है तो सीधी सीधी एक लाइन आ जाती है जो कि ओरिजिन से पास करती है। तो ये कुछ एक्सएल और एक्सी के बारे में था कि किस तरीके से फ्रीक्वेंसी के साथ जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेट करते हैं। होप सो काफ़ी हद तक आपको इस वीडियो के बारे में समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से हम लोग एक्सएल और एक्सी को फ्रीक्वेंसी के साथ लेते हैं, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट को बेस बना के हम लोगों ने आगे वाले कुछ जो केसेस हैं उन्हें भी सॉल्व करना है। तो जब इस चीज़ की समझ आएगी तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं।